जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 24,797 पोस्ट पर निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके रात में ही ये वीडियो बना रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रात के 1:38 हुए हैं, कुछ समय पहले ही आपका लिंक एक्टिवेट हुआ और मैंने यहाँ पर आपके लिए रात में ही वीडियो बना करके ये कोशिश किया कि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया है तो यार वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो मैंने लिंक दिया है, लिंक ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। आप यहां से सभी जानकारी चेक कर लीजिए। और जो आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या इसमें अन्य स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो नहीं, इसमें सिर्फ राजस्थान के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में और अच्छे से जानकारी जान लीजिएगा। अब यहां पर आने के बाद में गाइज आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहां पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहां पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहां पर एंटर करना है, एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक कर, इसके सामने क्लिक कर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहां पर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहां पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉग इन होना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहां पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहां पर इस्तेमाल करना है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहां पर डालिए एंड द नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहां पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फेच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहां पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते तो ये भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप यहां पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया, तो आप यहां पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहां पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहां पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहां पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहां पर डाल देंगे एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहां पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहां पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहां पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च
करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज आपके सामने ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन आएगा तो आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 देखने को मिलेगी। आपको इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर सफाई कर्मचारी की पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने OTR की जानकारी आएगी यानी कि जो आपने वन टाइम राशन की जानकारी भरी है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आपको इन जानकारी के अंदर कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको कर लेंगे, नहीं तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी OTR के वक्त की दी गई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है, आप यहाँ से आपका नाम लिख दीजिएगा इसका इस्तेमाल करके। और फिर आप यहाँ पर आपके पिता का नाम हिंदी के अंदर लिखेंगे एंड देन आपको आपकी माता का नाम भी यहाँ पर हिंदी में लिखना है। फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में अगर आपकी कोई विकलांग की कैटेगरी है इनमें से तो वो विकलांग की कैटेगरी आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपका जो रिलीजन है वो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगा है, आधार ID मांगी है, इसके बाद में जन आधार ID भी आपकी मांगी है वो आपको यहाँ पर देनी अनिवार्य है, साथ ही जन आधार मेंबर ID आप यहाँ पर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका अप्लाइंग डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करें वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको उस नगरीय निकाय को सेलेक्ट करना है जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस देखेंगे, ये एड्रेस आपको यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर भरना है। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके सिटी विलेज का नाम देना है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। मैंने ये एड्रेस डमी भरा है, कोई रियल एड्रेस नहीं है क्योंकि मैं ये फॉर्म आपको सिखाने के लिए भर रहा हूँ। इसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर ये जो आगे की जानकारी है ये मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में दे रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि गाइज मेरे पास जन आधार ID नहीं है और बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते और वो आपको कोई फेक नहीं बल्कि रियल ID देनी होती है, इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज के रूप में बता रहा हूँ कि कैसे आपको बाकी का फॉर्म भरना है। तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा, यहाँ पर आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करेंगे, आपकी होम स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करके आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने जो कि आपके सामने है, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो बेसिकली आप ये सवाल पढ़ेंगे और इसमें जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको यस करना है, जो चीज़ लागू नहीं है उसमें आपको नो करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं आपके सामने यहाँ पर दो सवाल है, एक क्या भूतपूर्व सैनिक है और अगला सवाल है कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यस कर दें, नहीं है तो आप नो करेंगे एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी बाकी की जानकारी देनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है, तो इसमें बोला है कि आई हैव एन एक्सपीरियंस फॉर रिक्वायर्ड पोस्ट, तो आप इसमें यस करेंगे क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कितना एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पर एक्सपीरियंस टाइप के अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर या आपको उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है या फिर उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद में रेशन GST नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर एम्प्लॉयर, अगर कोई है GST नंबर जहाँ पर आपने काम किया उसका तो आप यहाँ पर वो लिख दें, नहीं तो आप NA लिख देंगे, बड़े अक्षरों में आपको NA लिखना है जिसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल। डेजिग्नेशन के अंदर आप पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर रहकर के आपने काम किया है और इसके बाद में डिपार्टमेंट के अंदर आप बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसे कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेचर ऑफ जॉब, किस तरह का आप काम करते थे वो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर बता दीजिएगा, कब आपने जॉब ज्वाइन की वो डेट आप यहाँ पर फॉर्म वाले सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे और कब तक आपने की वो आप टू वाले सेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट कर लिया जाएगा और उसके बाद में आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए एंड देन फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे इसको और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा और मैं आपको बता दूं कि आपके मन में सवाल आया होगा कि यार इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी तो मांगी नहीं, तो इसमें अगर आप 8वीं पास है 5वीं पास है आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे बट एक्सपीरियंस होना 1 साल का अनिवार्य है। तो अब आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड कर दीजिए जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच रखा है, फोटो का और साइन का 20 से 50 KB, तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका फोटो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड बॉडी मार्क के बारे में, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान है कहीं पर जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो आप इस सेक्शन के अंदर नो मार्क लिखिए
देखेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए जो कि आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है और फिर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट कर देंगे एंड देन अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 को भर पाएंगे। एंड अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करता हूँ रात में ही वीडियो बना करके, ताकि आपसे कोई फॉर्म में गलती ना हो। तो अगर लगता है कि मैंने कुछ किया है स्पेशल तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।